सुनीता जी। हाँ जी। दरअसल क्या है कि हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो वही तो करने आई हूँ मैं। जी जी, मेरा मतलब है कि आपने अगर रोका है तो कुछ जरूरी बात ही करनी होगी। जी, हम ये बताना चाहते थे कि लाजवंती क्या कमाल का गाना गाती हैं यार। वो तो है। वो क्या ना, लाजवंती साहब पहले काम करती थी, वो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो उनसे उन्होंने कम से कम 4 साल तक सीखा है। और ये भी तो कहते ना कि अच्छा गाना गाने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। लाजवंती का ना सिर्फ गला ही नहीं, दिल भी कमाल का है। मेरा बस चलता ना तो मैं उसके दिल के साथ सेल्फी खींच लेती। हमें ना इसी बारे में आपसे दरअसल बात करनी थी। हाँ? वो हम सोच रहे थे कि अगर हम उन्हें सह गायिका बना के अपने साथ दुबई ले जाएं, अगर सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। जी जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बेचारी लाजवंती एक अच्छी ही गायिका बन जाए, उसका करियर बन जाए। लाजवंती को दुबई ले जाने वाली सेल्फी। जी आप वैसे पक्का ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ना एक बार लाजवंती से भी पूछ लीजिए, वो छत पर ही होगी, कपड़े सुखा रही होगी। अभी? हाँ। इस समय वो छत पर है? हाँ। तो अगर हम 5 मिनट के लिए ऊपर जाके उनसे थोड़ी सी बात कर लें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आप प्लीज 5 मिनट के लिए हमारी दुकान संभालेंगी? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, आप जाओ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीजा जी कहाँ रह गए? दुकान से छत पे आने में इतना टाइम लगता है क्या? प्रणाम लाजवंती जी। राम राम बाबू जी। राम राम। जी वो अगर आपके पास 2 सेकंड है तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। पूछो पूछो। जी वो क्या आप हमारे साथ दुबई चलेंगी? बेशरम, तनिक भी शरम ना आवत तुमको। एक तो अनजान मर्द, ऊपर से शादी शुदा, हम तुम्हारे साथ दुबई काहे जाने लगे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। दरअसल क्या है कि हम आपको दुबई सह गायिका बना के लेके जाना चाहते हैं। वो हम भी गायक और संगीतकार हैं ना। अच्छा जी, तो लहंगे की दुकान में काहे काम कर रहे हो? मजबूरी में। मजबूरी माँ जी, लेकिन हमें जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता ना, सिर्फ तब तक के लिए। आप यूँ समझ लीजिए कि आगरा के लड़का जो संगीत के तार खींचना चाहता है ना, फिलहाल जिंदगी में लहंगे के नाड़े खींच रहा है। आलाप तो लगा नहीं पाते, पर बोली जरूर लगा लेते हैं दुकान पे बैठ के। पर लाजवंती जी, वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आप सुन रही हैं? हाँ आप सुन रही हैं। तो दरअसल क्या है कि हमें दुबई जाके गाने का मौका मिला है नए साल पे, और उन्हें हमारे साथ सह गायिका चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या आप हमारे साथ सह गायिका बन के चलना चाहेंगी? सिर्फ 2-3 दिन की बात है। नहीं नहीं, हमसे ना हो पाए, हम सब समझ जात रही। ये तुम्हारी चाल बा, हमको पहले दुबई ले जाओ, फिर हमको फंसाओ, और फिर मौका देके हमको जकड़ लाई। नहीं नहीं बेशरम। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं, हम इस तरह के मर्द नहीं हैं। आप चाहें तो हमारे सेठ जी से पूछ सकते हैं, हम बहुत शरीफ हैं। वो भी तो मर्द बा, मर्द मर्द भाई भाई, बाकी सबकी चाची ताई। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, आप हमारी पत्नी से भी मिल चुकी हैं, हम शादीशुदा हैं और अपनी बुबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंद कमरा में प्यार करत हो या तलवार चलावत हो, हमका का पता। देखिए अगर आपको इतनी फिक्र है तो हम आपसे वादा करते हैं, आपसे 5 फुट की दूरी पर रहेंगे बस। हैं? फिर क्या फायदा? हाँ जी माय, मतलब तुमको हमें ही कहे ले जाना है? क्योंकि आपकी आवाज कोयल के जैसी है, क्योंकि आप में हुनर है लाजवंती जी, और आपको इस हुनर को दबाना नहीं चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, विश्वास करिए हमारा, आपकी आवाज कोयल के जैसी है। ओ बाबूजी, हमारी आवाज भले ही कोयल जैसी, पर तुम मरद एक नंबर के चील कौवे होवत हो। हमार इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। तुमको पता है हमार गांव में एक आदमी हमारी बहन को बहना फुसला के दुबई ले गया, तब से हमार बहन गायब है। बहन किधर हो तुम? बहन शांत शांत हो जाइए, रोइए मत, रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत, हमारी बात सुनिए। आप नहीं, नहीं। आप भरोसा करिए हमारा। हमको तुम्हारी बात नहीं सुननी है, कोनो भी बात नहीं सुननी। अरे हम जा रहे हैं।
आप देखिए लाजवंती जी, अबे यार ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तेरा भाई है ना चटकी, मेरी जान लेने में तुला है। अरे मेरी गर्दन को ऐसे मरोड़ रहा था जैसे तौलिया वैसे पानी निचोड़ रहा हो। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, चटंकी भैया ऐसा क्यों करेंगे जबकि उन्हें तो चाप मारना आता है। पता है एक बार शेर की गर्दन में ऐसा चाप मारा कि वो बेहोश हो गया। पता मुझे कहानी मालूम है, मत सुना मुझे कहानी। सच्ची? अरे वो शेर की माँ आई थी मेरे पास शिकायत देकर कि तुम्हारे साले चटंकी ने मेरे बेटे की गली की हड्डी तोड़ दी, वो भी चौप मार गए। हाँ इलायची के पापा कुछ भी बोलते हो। और तेरा भाई तो सब कुछ भी बोलता है, तू मान लेती है? बात कर रही है बेकार की। अरे 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 करू करू कंधा जो है मसलना है कुचलना ना है। अरे हाँ क्या हुआ करू, पीछे कोई है क्या? नहीं, वो खिड़की पे एक कुत्ता था। अच्छा छटंकी आया था तो फिर अंदर क्यों ना आया? इलायची के पापा छटंकी भैया के लिए इज्जत से बोला करो। अरे उसकी इज्जत सिर्फ चोरों की महफिल में है, मेरे दिल में ना है। तेरे हाथ क्यों कांप रहे थे? वो ठंडी बहुत है ना तो आग के सामने बैठूंगी तो ठीक हो जाएंगे। अरे लेकिन कांप तो ऐसे रहे कि आग के सामने क्या, तू आग के ऊपर भी बैठ जाए तो ठीक ना होंगे ये? तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे गर्दन में भी सुधार है अब। इलायची के पापा मुझे लगा कि ना मलहम का असर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सेकाई करनी पड़ेगी। मैं पानी गर्म करके लेके आती हूँ। एक मिनट रुक रुक रुक। अरे तूने कौन सी ऐसी नजदा बांधी कि मेरा प्रेशर बन गया? सुन मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी है। अरे अरे रे 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 अरे क्या है विनोद, इतने सालों बाद वापस क्यों आए हो? देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस चले जाओ वरना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। जाओ भगवान, ये वापस क्यों आया है? मैं तो बुआ के फूट गया। हेलो यार तेरा भी ना समझ नहीं आता, पहले दुबई जाने के लिए जीजा जी के पीछे पड़ी थी, अब जब वो लेके जाना चाह रहे हैं तो नखरे क्यों दिखा रही है? ना ना सुनीता जी, इसमें इलायची जी की कोई गलती ना है। वो क्या ना कि इनकी वायरिंग ही उल्टी जुड़ी है, हर काम उल्टा करती है। पिंटू जी लग रहा है फ्री की चाट आपको हजम नहीं हो रही, लाओ दो। नहीं नहीं मतलब करने का तरीका उल्टा होता लेकिन काम सीधा करती है। सुनो पहली बात, देखो यार सुंदर लड़की पहली बार में हाँ बोल दे ऐसा हो नहीं सकता है, और दूसरी बात ये कि जीजाजी को पीछे घुमाए बहुत वक्त हो गया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना गेम स्टार्ट हो गया, बहुत मजा आ रहा है। मजा तो ठीक है भाई, मुझे बस इतनी टेंशन है कि गेम स्टार्ट करने के चक्कर में ना अगर जीजाजी का दिमाग थनक गया ना तो तुझे दुबई लेके जाने का पूरा प्लान ड्रॉप हो जाएगा। डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा। इलायची आपको ना पता, पंचम जो ना एक नंबर का सनकी है सनकी, कब हाँ करते करते ना करते कुछ पता ना। पिंटू जी आप मेरे पति को संकी बुला रहे हैं? जस्ट लेटिंग यू नो कि मैं उनसे बड़ी वाली संकी हूँ और मुझे हाँ कहलवाना बहुत अच्छे से आता है। इलू तेरे डॉन होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। डाल ही नहीं रो खट्टा। और बुबू हेलो गोलगप्पे पेल लियो। हाँ हेलो इलायची जी, आप प्रणाम सुनीता जी। आप सुनीता जी हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे जी क्या हुआ? दरअसल क्या कि हमें ये जानना था कि वो लाजवंती जी कहाँ हैं, वो हमें कुछ जरूरी काम था उनसे। जरूरी काम था?
मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या काम है। नहीं इलायची जी धन्यवाद, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनीता जी कहाँ है वो? वो ना एक घंटे बाद आपको छत पे मिलेगी, कपड़े सुखाने जाएगी ना तो आप वहीं मिल लेना। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे हमारे मन में एक जिज्ञासा थी, जो लाजवंती जी हैं ये सिर्फ आपके घर के कपड़े धोती हैं या पूरे मोहल्ले के? वो क्या ना वो हमेशा छत पे दिखती हैं। Really, जीजा जी? आपको देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत परवाह लाजवंती जी की। एक काम क्यों नहीं करते, उन्हें अपने घर पे काम पे रख लीजिए ना, वो ना पाँव बहुत अच्छे दबाती हैं और ना सर की मालिश भी बहुत अच्छे से करती हैं। इलायची जी आपको हर बात में बीच में कूदना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपको देखे ना मुंह बंद नहीं रहता मेरा। By the way, चाट खाएंगे? एक काम इनकी खा लीजिए चाट। मना दूंगा। नहीं नहीं इलायची जी बहुत बहुत धन्यवाद, दरअसल क्या है कि चाट में होती है तीखी चटनी और वो हमारे गले के लिए काफी खराब है और हमारे संगीत के लिए भी काफी हानिकारक है। खैर धन्यवाद, हम मिल लेते हैं लाजवंती जी से एक घंटे बाद। चलो बबू, चलो तुम जाओ अदरक चाटो गला ठीक करो। क्या बोल रहे थे, कुछ ज्यादा ही खिलकारियां नहीं मार रहे हैं आप? भैया यार दे दो खट्टा, आज दोगी कि कल दोगी बता दो आप। अबे ओ क्या खट्टा, खट्टा खाने से ना गला खराब हो जाएगा। तुमने शायद सुना नहीं, जिया जी एक घंटे बाद मुझे छत पे मिलने वाले हैं और गाना वाना गाना पड़ सकता है, मतलब ये मतलब हद्दी हो गई है। चादी बंद करा दे अपने गाने के चक्कर में, सब बंद करा दे, लाइफ ही बंद करा दे तू मेरी। ना ना कुछ ना बंद होगा, भैया तुम दो इनको, हम देंगे पैसे, हमारे पास है पैसा। रियली? चल सुनो बाय। तारे वारे करो, मुंह फुला के क्यों बैठी है तू? कुछ ना। ना ना समझ गया मैं, ठीक है अब ना कोसूंगा उस चटंकी को, ठीक है, लेकिन उससे कहियो मुझसे दूर रहे, वो मेरे सितारे ना मिलना है उसके साथ। ग्रह नक्षत्र तो मेरी चालें बदल रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही है तू? कुछ ना। किससे मिलना है? जी मिलना तो मुझे अपने आप से है, मेरी दुश्मनी मेरे बाप से है। ऐसा लग रहा है जैसे आप शेर मारने निकले थे और चूहा मार के रह गए। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम विनोद है, नमस्ते। करुणा जी कैसी हैं आप? लगता है भूल गई मुझे। एक मिनट, आप करुणा को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। अब मेरा मतलब मैं इन्हीं के शहर अलीगढ़ से हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि मैं इनका पड़ोसी हूँ। लेकिन इसने कभी बताया ना आपके बारे में? कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, बस देखी जा सकती है। विनोद जी चांदनी चौक में कुछ काम था? चांदनी चौक में तो दिल लटका है हमारा। अब मेरा मतलब दिल्ली का दिल है ना चांदनी चौक, तो सोचा घूमते चलते हैं। वैसे कुछ काम करते हैं आप? जी हमारा होलसेल के लहंगे के कपड़ों का धंधा है, साल के 50-60 करोड़ मिल जाते हैं। आइए 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 आइए, अरे करो जल्दी से 50-60 करोड़ ले आ ना, मेरा मतलब है चाइना से ले आ जा। अरे तकल्लुफ मत कीजिए, वैसे मैंने सुना है कि आपकी भी लहंगे की दुकान है। लगता है आपकी और मेरी चॉइस एकदम मिलती है। एक मिनट, अरे ग्राहक का फोन आ रहा है, मैं एक मिनट बात करके आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बेटा बता कितने लहंगे चाहिए? क्या है विनोद, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? ये सवाल तुम्हें मुझसे बहुत साल पहले पूछ लेना चाहिए था करुणा, कि मैं क्या चाहता हूँ और जो मैं चाहता था वो तुमसे छुपा ना। देखो पुरानी बात निकालने से कोई फायदा ना है करुणा, बहुत नुकसान झेल चुका हूँ मैं, नफे नुकसान से अब बहुत ऊपर उठ चुका हूं, इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्या गपशप चल रही है भाई? वैसे यहाँ आसपास में कोई अच्छा सा होटल है, सोचा आज रात को वही ट्राई कर लेते हैं। भाई आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, इसके मायके से आए हैं तो अच्छा लगेगा क्या? आप होटल में खाना खाएंगे आज शाम को? आप मेरे साथ खाना खा रहे हैं बस। Yeah!
लाजवंती जी, लाजवंती जी आप आ गए। प्रणाम लाजवंती जी। प्रणाम। का है दिनों रात यहाँ ही मंडराते रहते हो, कोनो काम धंधा नहीं है का? नहीं नहीं, काम तो बहुत है, पर हमने सोचा क्यों ना छत पे जाके आपके गाने का आनंद लिया जाए। का बोले जी? तुम्हारे काका की कोनो महफिल ना जमी है यहाँ पे, जो फरमाइश पे गाना गाएंगे हम, भाई शरम। लाजवंती जी गा दीजिए ना प्लीज। बहुत देर से मन कर रहा है कि कान में ना कुछ मीठा सा जाए। तो ये बात है, कोनो परेशानी नहीं है, अपने कान में गुलाब जामुन ठूस लीजिए। वैसे हम गाने की बात कर रहे हैं, प्लीज लाजवंती जी गा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। आप चाहे अपनी पसंद का गा दीजिए, कुछ भी गा दीजिए चलेगा, पर गा दीजिए ना एक बारी प्लीज। ठीक है ठीक है। धन्यवाद। अब तन एक फरमाइश करेंगे, चेप बनेंगे तो हम ना कैसे बोलेंगे, गाए देते हैं। जी धन्यवाद। युगी दन ही हो लाजवंती जी क्या हुआ? आप क्या हुआ आपकी आवाज को? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई स्पीकर फट गया हो? सब ठीक है कि नहीं? ओ बाबूजी। जी। हम नहीं गा सकते हैं। क्यों? वो कहा है ना, सरस्वती माता हमका सजा दे रही हैं। क्यों, आपको क्यों सजा दे रही है? वो कहा है ना, हमने स्नान लिए बिना सुर छेड़ने का पाप किया, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे रायता फैल गया, हाय भगवान। नहीं रायता तो क्या बोल रही है, नहाने का गाने से क्या संबंध है? बिल्कुल होवत है। कैसे? कला जो है सरस्वती माता की देन होवत है। सही है। और अभी हमार गला अशुद्ध है, इसलिए सही सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो का है ना, संगीत साधना है जिसके लिए मन के साथ साथ तन का पवित्र होना भी जरूरी होवत है। मन के साथ साथ तन का पवित्र होना जरूरी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है लाजवंती जी। हमने आज तक कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, पहले नहाए फिर गाएं। सही बात है लाजवंती जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। इतनी आंखें मत खोलो, गड़बड़ हो जाएगी। है जी जी, हमार मतलब है इतनी आंखें ना खोलिए, कीट पतंगा गुज जाएगा। नहीं नहीं। आपके उच्च विचार सुन के हम धन्य हैं। आपको पता है सुरों के प्रति आपकी ये लगन, आपका ये प्यार हमने आज तक किसी में नहीं देखा। मतलब हमें भी संगीत से बहुत लगाव है, पर आप तो किसी और ही स्थान पर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए आपके सामने नतमस्तक होना चाहिए। आज से हम भी पहले नहाएंगे फिर गाएंगे। और कुछ? नहीं नहीं, बस हम तो आपकी आवाज ही सुनना चाहते थे। हाँ मतलब एक बात थी, वो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप हमारे साथ दुबई चलेंगी? नहीं नहीं, हम अपने खुद के लिए गाते हैं, ना कि पूरी दुनिया के लिए। अभी हम जात रही। हाँ पर तुम सोच, भागो सोच, भागो। हाँ एक बोर्ड बक, हम कह रहे हैं जाओ। लाजवंती जी जात रही, जाओ। हाँ जा रहे हैं। सुनो। ये गधी की तरह क्यों रेख रही थी तू? ओह यार मेरा गला बैठ गया है, वो चाट खा रही थी ना इसलिए। मिल गया चटोरेपन का नतीजा। मना करे थे लेकिन तुझे तो चाट पीने से फुर्सत ही नहीं थी। क्या सूरत है तुझे, चक गरारे कर गर्म पानी से जा। ओह मेरा गला खराब होने वाली सेल्फी। अभी तो सिचुएशन संभाल लिए, तुम ना गला संभाल चल। मेरी बात सुन। मत सुन, मेरी आवाज ठीक हो जाएगी ना। देखिए विनोद जी, आपने अपने व्यवसाय के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने ये ना बताया कि आपके परिवार में कौन कौन है। बस मैं और मेरी तन्हाई जो इस उम्र ने मुझे काटने चली आई। अरे भाभी जी का नाम
तन्हाई है। वाह बहुत अच्छा नाम है। वैसे बीवियां अक्सर तन्हाई का मौका देती कहाँ है। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि मैंने शादी नहीं की। शादी ना की क्यों? थी कोई मजबूरी। इलायची के पापा गर्मा गर्म रोटी लो ना। हाँ ले 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 ठीक है वैसे मेरे पास। हाँ तो क्या मजबूरी थी आपकी? वो मैं इलायची के पापा हाँ। नमक तो ठीक है ना पनीर में? हाँ हाँ नमक एकदम ठीक है, तू चिंता मत कर। हाँ तो क्या मजबूरी थी आपकी? वो क्या हुआ था कि इलायची? अरे रुक जा ना, तूने जो बनाया है सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया बनाया। तू एक काम कर अंदर जा, गरम गरम रोटियां बना, जाके जा जा जा। देख रहे विनोद जी, अब मायके से कोई आया है तो कैसे पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए क्या मजबूरी थी? अब थी कोई मजबूरी क्या बताओ, बस ऐसे ही नहीं की मैंने। समझ गया मैं, इतना बड़ा व्यवसाय ऐसे थोड़ा ही है भाई। अब इसमें कोई रोक टोक करने वाला होता तो इतना बड़ा व्यवसाय थोड़ा ही कर पाते आप। नहीं नहीं काम काज का कोई मसला नहीं था। हाँ वो बात यूं थी कि